नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन विदेश फील्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एसएससी जीडी और भी आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी हमारे दोस्त हैं इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लेटेस्ट वीडियो जब भी अपडेट हो आप तक पहुँच पाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये गुफाएँ मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। ऑप्शन अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी। हमारा राइट आंसर है सी, एलिफेंटा। महाराष्ट्र में मुंबई के निकट मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप पर या घारापुरी शाब्दिक रूप से गुफाओं के शहर में स्थित एलिफेंटा की गुफाएं तराशी हुई गुफाओं का एक नेटवर्क है। यहाँ हिंदू और बौद्ध गुफाएं निर्मित हैं। इसमें 1987 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष से किया गया था। ऑप्शन है 1973, 1980, 1987, 1984। हमारा राइट आंसर है ए, 1973। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ 1973 से किया गया था, जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में ही की गई थी। 1973 से भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनोरमा का संचालन भारत सरकार द्वारा यानी भारत सरकार के निदेशालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। सॉरी, यहाँ पे मिसस्पेल हो गया है। जे के जगह पे जे है, इसे हम ग्लाइकोजन। नेक्स्ट ऑप्शन वसा। हमारा राइट आंसर है सी, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में हम संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं। ऑप्शन से वसा एसिड, शक्कर, अमीनो एसिड, स्टार्च। हमारा राइट आंसर है सी, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन के आणविक निर्माण घटक है। प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन से राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमारा राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी या दस्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। ऑप्शन है डायनसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम कंट्रोल। हमारा राइट आंसर है सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम या कार्टेक्स मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह मस्तिष्क से संबंधित कार्यों जैसे सोचने और क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। ऑप्शन है सोडियम, टीन, रेडॉन, रेडियम। हमारा राइट आंसर है सी, रेडॉन। रेडॉन का गलनांक -71 डिग्री सेल्सियस जो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है। ऑप्शन है सोडियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरोन। हमारा राइट आंसर है ए, सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और फ्लोरीन की 9 है, जो फ्लोरीन से सोडियम का ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोकनृत्य है। ऑप्शन से असम, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड। हमारा राइट आंसर है ए, असम। बिहू असम राज्य का लोकनृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है का क्या असर होगा। ऑप्शन से ब्याज दरों पर नीचे की और दबाव लागू होगा। नेक्स्ट ऑप्शन,
ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट, ऋण देने योग्य धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। हमारा राइट आंसर है डी, ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। बढ़े हुए बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए सरकारी उधार में वृद्धि से वास्तविक ब्याज दरों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे निजी निवेश और संकलन मांग में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैन रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? ऑप्शन हैं छोटी आंत, दिमाग, अग्नयास, जिगर। हमारा राइट आंसर है डी, जिगर। यकृत को मानव शरीर के जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। यह कम से कम 4 महत्वपूर्ण हार्मोनों को संश्लेषित करता है और उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन हैं 24, 12, 6, 3। हमारा राइट आंसर है बी, 12। सूर्य नमस्कार या सूर्य संबोधन एक योग दिनचर्या है जो आसन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? ऑप्शन हैं अल्फ्रेड वेगेनर, अल्फ्रेड बोरविक, अल्फ्रेड हैंक्स, अल्फ्रेड मेन। हमारा राइट आंसर है ए, अल्फ्रेड वेगेनर। महाद्वीप बहाव एक दूसरे के सापेक्ष पृथ्वी के महाद्वीपों की आवाजाही है जो समुद्री तट पर बहाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवधारण को 1912 में अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन हैं वेलिंगटन, कैनबेरा, ओस्लो, ओटावा। हमारा राइट आंसर है डी, ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब मिसस्पेल हो गया है, तो औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक राज किए थे, किस वंश के शासक थे? ऑप्शन हैं नंद वंश, मुगल वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। हमारा राइट आंसर है बी, मुगल वंश। औरंगजेब मुगल वंश का शासक था जो 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लेटेस्ट वीडियो जब भी अपडेट हो आप तक पहुंच पाए। एक सब्सक्राइबर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर लाइक से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक पहुँच जाएगा।